कोरियन ड्रामा सीरीज इनकी लोगों के बीच इतना क्रेज है कि हर तीन फैमिली में पूछा गया कि उनकी फेवरेट ड्रामा कौन सी है, तो तीन में से दो फैमिली ने कोरियन ड्रामा का ही नाम लिया। ये एक ऐसी ड्रामा है जो हर एक एज कैटेगरी का फेवरेट जॉनर है। कोरियन ड्रामा सीरीज की स्पेशलिटी होती है कि हर एक छोटी छोटी चीजों को पकड़ कर इमोशनल लेवल के साथ अपनी स्टोरी को इतने बैलेंस्ड और परफेक्ट टाइमिंग के साथ हमारे सामने रखते हैं कि सीधा हमारे दिल में बस जाती है। ऐसी कॉन्टेंट को देखने के बाद अब अपनी दोस्तों में बिना शेयर किए रह नहीं पाओगे। तो आज के रिव्यू में हम लाए हैं टॉप 10 बेस्ट कोरियन ड्रामा सीरीज में से टॉप 7 वर्ल्ड बेस्ट कोरियन ड्रामा सीरीज। अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहते हो तो इस लिस्ट की सीरीज आपके लिए कोई मेडिसिन से कम नहीं होगा। आपको डेफिनेटली 100% स्ट्रेस दूर कर आपको पॉजिटिव एनर्जी से भर देगी। और खुशी की बात, हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी कुछ बोनस सीरीज को बताएंगे। हमारे सभी सब्सक्राइबर को पता होता है कि इस चैनल का बोनस सीरीज सबसे बेस्ट होता है, तो बोनस सीरीज को डेफिनेटली देखनी ही चाहिए। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, ये चैनल सिर्फ क्वालिटी कंटेंट लवर के लिए ही बनाए हैं, तो आप भरोसा कीजिए इस चैनल पे आपको कभी कन को जरूर दबाइएगा। तो चलिए इन कोरियन ड्रामा सीरीज के थ्रू अपने आप को फुल चार्ज करते हैं। नंबर 5 की कोरियन ड्रामा सीरीज आपको सीधा कोरिया की स्कूल ले जाएगी। हम इंडियंस को स्कूल लाइफ पे बनी सीरीज को सिर्फ देखते ही नहीं बल्कि उसे फील भी करते हैं। ऐसे ही है नंबर 5 की ड्रामा सीरीज जिसमें स्वीट रिवेंज के साथ खट्टी मीठी लव स्टोरी भी देखने को मिलेगी। 2017 की रोमांस टीनेज ड्रामा 2 सीजन के साथ स्वीट रिवेंज। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये ड्रामा हर एक टीन एज स्कूल लाइफ की एक डॉक्यूमेंट्री की तरह है। हर एक एपिसोड से अपने आप को कनेक्टेड फील करोगे। हो सकता है अगर आप स्कूल लाइफ में हो तो ये आपको एक्वार्ड लगे, लेकिन जिन्होंने भी स्कूल लाइफ से आगे बढ़ चुके हैं उनके लिए ये सीरीज कोई स्वीट और ब्यूटीफुल मेमोरी से कम नहीं होगा। स्टोरी एक मोबाइल एप्लीकेशन पे घूमती है जिसमें सिर्फ उसका नाम टाइप करने से आपका स्वीट रिवेंज कंप्लीट हो जाता है। उस ऐप के जरिए आखिर कौन बदला ले रहा है और कैसे, आप सीरीज देखिए, आपको यही मिस्ट्री लास्ट तक हुक करके रखेगी। बस हमको एक ही नेगेटिव पॉइंट लगा, इतने ब्यूटीफुल एक्टर के साथ कहीं ना कहीं एक्ट्रेस फिट नहीं हो रही थी। हमारा ब्यूटीफुल हीरो थोड़ा और डिजर्व करता था। एनीवे ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था, हो सकता है आपको अच्छा लगे। बाकी सीरीज की स्टोरी टॉप क्लास की है, एक बार आप जरूर ट्राई करिएगा इस कोरियन ड्रामा सीरीज को। नंबर 4 पे कोरियन ड्रामा, अगर आप स्पाई थ्रिलर बॉलीवुड के बेबी स्पेशल 26 जैसी स्पाई मूवी के फैन हैं तो ये कोरियन ड्रामा आपको नेक्स्ट लेवल का एक्सपीरियंस देगी। 2015 की कोरियन ड्रामा के साथ हिडन आइडेंटिटी। सीरीज की स्टोरी एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर के इर्द गिर्द घूमती है, जहां सीरीज के सबसे बेस्ट पार्ट है इसके लीड कैरेक्टर किम बून की एक्टिंग और इसके ट्विस्ट, जिसके वजह से आप सीरीज से कनेक्टेड रहते हो। अगर कैरेक्टर के डेप्थ में जाना पसंद हो और स्पाई थ्रिलर मूवी के फैन है तो ही ये सीरीज को देखिएगा, नहीं तो कहीं कहीं पे आपको ये सीरीज खींचा हुआ लग सकता है। कैरेक्टर बिल्डअप के लिए थोड़ा समय लेती है, लेकिन फिर भी किम बून की एक्टिंग हमको लास्ट तक हुक करके रखा। थोड़ा कम एक्सपेक्ट लेकर देखिएगा, स्पाई थ्रिलर मूवी फैन के लिए ये सीरीज वन ऑफ द बेस्ट सकता है। नंबर 3 से पहले बोनस नंबर 1, ये ड्रामा सीरीज आपको जितनी हंसाएगी उतना रुलाएगी भी। सीरीज के इमोशन इतना जबरदस्त है कि आपको सीधा अपने अंदर खींच लेगी और कैरेक्टर से इमोशनल लेवल पर जाकर हिट करेगी। रोमांस ड्रामा ऑडियंस के बीच सुपर हिट कोरियन ड्रामा सीरीज 2017 की आई एम नॉट अ रोबोट, इसे आप नेटफ्लिक्स पे और फ्री में हिंदी डबिंग के साथ एमएक्स प्लेयर पे देख सकते हैं। नंबर 3 की ड्रामा सीरीज आपके इमोशन से खेलेगी और आपको रुला जाएगी, आपके दिल को छूकर निकल जाएगी। अगर आप इस ड्रामा सीरीज से कनेक्ट हो गए तो आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट। नंबर 2 पे वो नंबर 1 से पहले बोनस नंबर 2, वो लव स्टोरी ड्रामा सीरीज काफी कमाल की होती है जिसमें हमारा हीरो को भूलना या फिर मेंटल पर्सनालिटी डिसऑर्डर बीमारी हो, उसमें रोमांस नेक्स्ट लेवल का देखने को मिलता है। ऊपर से वो कोरियन ड्रामा हो तो वो सीरीज देखने की मजा चार गुनी हो जाती है। ऐसी ही है बोनस नंबर 2 की कोरियन ड्रामा सीरीज ब्लॉकबस्टर रोमांस ड्रामा के साथ 2015 की किल्मी हिल्मी। अगर आप डॉक्टर जॉन के जिंगसुंग के फैन है तो इस ड्रामा सीरीज को मिस मत करिएगा, और खुशी की बात है इसे आप फ्री में हिंदी में एमएक्स प्लेयर पे देख सकते हैं। नंबर 1 की सीरीज का इमोशन इतना टाइट है कि कभी भी इस कोरियन सीरीज से मन ही नहीं भरेगा, लगेगा कि कभी खत्म ही ना हो। कुछ टाइम के बाद इसके इमोशन अपना सा लगने लगेगा। 2016 की रोमांस ड्रामा के साथ लीजेंड ऑफ द ब्लू सी।
ऐसी लीजेंड कोरियन सीरीज के बारे में क्या ही बताएं। बस इतना जान लीजिए, एक मरमिड यानी जलपरी और एक इंसान की एपिक लव स्टोरी देखने को मिलेगी। ऊपर से कोरिया की हो और उसमें ट्विस्ट फ्लैशबैक की हो तो पूछिए मत, सीरीज कब इमोशन बन जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और इसके फ्लैशबैक की स्टोरी आपको रोलर कोस्टर वाली एक्सपीरियंस देगी। सीरीज के सबसे बेस्ट पार्ट है इसके हार्ट टचिंग स्टोरी लाइन। सीरीज में आपको कई ऐसा मोमेंट है जहां आपको रुला सकती है। अगर आप माई लव फ्रॉम अनदर स्टार के जून ही यूंग और द किंग इटर्नल मुनाज के ली मिन हू के डाई हार्ट फैन है तो ये सीरीज आपको ये दोनों की कॉकटेल की तरह लगेगा। आप आंख बंद करके देखना चालू करिए, आपको कभी भी फील नहीं होगा कि आपका कीमती टाइम वेस्ट हो रहा है। बस एक ही नेगेटिव पॉइंट है, ये हिंदी में डब नहीं है। इसे आप नेटफ्लिक्स पे और अनऑफिशियली साइट से अनऑफिशियली हिंदी डबिंग डाउनलोड कर देख सकते हैं। तो चाहे कोई भी लैंग्वेज में हो, देखेंगे जरूर। ऐसे ही फ्रेश और यूनिक कॉन्टेंट के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये चैनल आप लोगों के लिए ही बनाया है, तो आप भरोसा रखिए, इस चैनल पे आपको कभी भी डिमोटिवेट नहीं करेगा। आप लोग में से 99% लोग वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज आपसे दिल से रिक्वेस्ट है, वीडियो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। स्टे होम सेफ लाइफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।